हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू D4 डिजाइन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सॉलिड वर्क की तीन कमांड। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लेन, सेकंड वन है टेक्स्ट, थर्ड वन है पॉइंट। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मोर अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले मैं यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। Suppose I have selected MMGS. Now मैं प्लेन ले लेता हूँ। सपोज को भी फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट है हमारे प्लेन, तब मैं प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ देख सकते हैं ये प्लेन इंसर्ट हो गया है। नाउ इसके आपको लेफ्ट हैंड पे फर्दर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। यहाँ से आप कोइंसिडेंट में इसके प्लेन लेना चाहे तो कोइंसिडेंट में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कोइंसिडेंट। ओके, नाउ अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन लेना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अगर आपने इसके पैरेलल प्लेन लेना है ओके, आप पैरेलल भी ले सकते हैं। ओके, नाउ फर्दर ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका डिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ से ले लिया 30, देख सकते हैं 30 इंक्रीज हो गया। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 mm का। ओके, नाउ यहाँ से अगर मैं इसको टिक करूंगा तो देख सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से आप नंबर ऑफ प्लेन इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, देख सकते हैं 3 प्लेन इंसर्ट हो गए हैं। ओके, नाउ ये है हमारे पास प्लेन। इसका फर्दर जब मॉडलिंग के अंदर यूज आएगा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ सेकंड वन है हमारे पास, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ। नाउ मैं अगेन मैं प्लेन ले लेता हूँ, फ्रंट प्लेन ले लिया, प्लेन पे स्केच कर दिया। सेकंड वन है हमारे पास टेक्स्ट। नाउ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप करना है, सॉलिड बॉडी के अंदर टाइप करना चाहें या 2D में। सो यहाँ पे सपोज मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ D4 Design। आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सपोज अगर मैं एक इसको टिक कर देता हूँ, एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रेफरेंस कर देता हूँ। ओके, फॉर कंस्ट्रक्शन। नाउ मैंने टेक्स्ट इंसर्ट करना है इस रेफरेंस के ऊपर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा D4 D, इसको मैंने सिलेक्ट किया। नाउ देख सकते हैं जो इंसर्ट हो रहा है वो इसके ऊपर है, D4 Design। यहाँ आप कोई भी अब अपने अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके, सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ। नाउ इटैलिक करना चाहूँ यहाँ से इटैलिक कर सकता हूँ। ओके, नाउ ये फर्दर ऑप्शंस हैं इसके, आप देख सकते हैं मिड में हो गया, राइट साइड पे गया, और ये देख सकते हैं जो टेक्स्ट है इसके अंदर स्पेसिंग हो गई है। ओके, नाउ मैं कैनवास पे क्लिक कर देता हूँ और ये अबव ही है, फ्लिप वर्टिकल देख सकते हैं ये जो लाइन है उसके नीचे हो गया। नाउ मैं गैन ऊपर ले देता हूँ। नाउ आप अगर इसको चेंज करना चाहें इसकी साइड, तो देख सकते हैं ये चेंज होगी। ओके, नाउ फर्दर इस जब मैं यूज डॉक्यूमेंट अनचेक करूंगा तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या फर्दर ऑप्शन होते हैं। 120 करूंगा तो देख सकते हैं जो हमारा साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ मैं गैन 130, सपोज मैंने यहाँ इसको 130 दे दिया। ओके, नाउ देख सकते हैं इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस आपको फॉन्ट मिल रहे हैं। ओके, फॉन्ट स्टाइल है अपनी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें। ओके, नाउ मैं ओके कर देता हूँ। ये है हमारे पास स्केच, वो टिक कर देता हूँ। लास्ट वन है हमारे पास पॉइंट्स। नाउ मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैं रेफरेंस लाइन सेंटर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ एक रीजन से, फॉर कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट लाइन कर लेता हूँ। सपोज मैंने एक लाइन ले ली, ये आपको पॉइंट समझाने के लिए। ओके, नाउ मैं अगेन एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ, मिड पॉइंट लाइन। ओके, नाउ मैंने एक ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने एक पॉइंट इधर ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट इधर ड्रॉ कर देता हूँ, एक इधर, एक इधर, ये चार पॉइंट्स मैंने क्रिएट कर दिए। ओके, नाउ आपको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का पता होगा। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है
वाई भी नेगेटिव होता है। इसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है। पॉइंट पे क्लिक कर दिया, नाउ यहाँ से मैं एक्स दे देता हूँ वन, ये हमारा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ओके। नाउ यहाँ से मैं एक्स भी दे दूंगा वाई दे दूंगा वन, आप देख सकते हैं पॉइंट इसके यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और मैंने माइनस वन, ओके देख सकते हैं पॉइंट, ओके। नाउ यहाँ से मैं वाई जो होता है हमारे पास पॉजिटिव वन होता है, ये देख सकते हैं आप, ओके। नाउ मैं अगेन इस पॉइंट पे इसको ले लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स होता है वो भी नेगेटिव होता है नेगेटिव वन, ओके। नाउ जो वाई होता है वो भी हमारे पास नेगेटिव वन होता है, ओके। ये पॉइंट्स आपको समझाने के लिए, ओके। नाउ फोर्थ वन है हमारे पास, इसमें हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो मैंने x पॉजिटिव दे दिया और y नेगेटिव वन, नेगेटिव वन, ओके। देख सकते हैं ये पॉइंट्स इसके ओरिजिन से क्रिएट हो गए हैं, ओके। नाउ है ये है हमारे पास पॉइंट्स, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर आए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.